व्यूअर्स, आप सभी को बता दूं, अभी सियांग बॉयज टीम यहाँ जेरू विलेज पे आया है, कासाम एरिया ऑफ कातान सर्कल पे आया है। तो आने का ये वजह रहा, जैसे कि व्यूअर्स आप लोग को ये बता दूं, आज जैसे कि पादू मोमेंट अगेंस्ट ड्रग्स एब्यूज टीम जो है अंडर प्रेसिडेंसीप ऑफ डॉक्टर जयंत परमे, तो यहाँ पे आया, ये एरिया पे आया है। तो उसके साथ में यहाँ मोपम सर्कल का सीओ मैडम आया है एज ए मजिस्ट्रेट, और उसका साथ पे ये आपका यिंकियोंग का सियांग डिस्ट्रिक्ट का अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट का यह ओसी कोई सर भी आया है। उन लोग का आज आने का वजह यह रहा, ये वस्तु पे कासम ये पे एरिया पे जेरू विलेज पे उन लोग का इंफॉर्मेशन पे यहाँ पे जैसे कि हम लोग कहानी बोलता है, जैसे कि ओपियम पॉपी कल्टीवेशन बहुत हो रहा है, यही है वो जगह पे पहुँच गया लोकेशन पे। तो आप लोगों को बता दो, ये जो देख रहा है स्टैंडिंग पॉपी प्लांट है, तो उसका बाद साइड साइड पे ये मालिक जो है वो पुलिस आने से पहले ये किया है, उसको शायद अपना से उखाड़ दिया होगा, फेंक दिया होगा। तो अपना से जो डेस्ट्रॉयड पॉपी प्लांट बहुत पड़ा हुआ है साइड पे, और पुलिस ओसीसर का साथ वो उसके बाद मजिस्ट्रेट सीओ मैडम का साथ वो गाम ये लोग लोग अभी जितना स्टैंडिंग है पॉपी प्लांट है उन लोग को डिस्ट्रेक्ट कर रहा है। और उसके बाद उन लोग सब वे जो वेगिंग मशीन भी लाया है उसको सब जितना डिस्ट्रेक कर रहा है, और ऑलरेडी जो डिस्ट्रेक्ट वो प्लांट लोग को उन लोग शायद कलेक्शन करके मेजर करेगा, तो मेजर कर रहा है, लगता है बहुत किलो निकलेगा, तो मेजरमेंट ये हो रहा है, एक एक बस्ता पे 20 किलो 15 किलो ऐसा हो रहा है, वेगिंग कर रहा है। तो ये मजिस्ट्रेट मैडम जो है उसको ये कर रहा है, उसका गांव बुरा उन लोग ये कर विटनेस कर रहा है। तो उसके बाद शायद ऑफिशियल प्रोसीड्यूर है, उसको सीजर रिलीज बना लिया। यहाँ पे टोटल 8 बस्ता हुआ है, तो उस हिसाब से जानना चाहेगा टोटल उन लोग का वेगिंग कितना हुआ, कितना किलो हुआ है। यहाँ पे ये मैं ये ओपियम जो कल्टीवेशन को ये लेके एक ये उसको डिस्ट्रो करने का आया है हम लोग का, ये अपन मोपम का ये सेव में हम लोग भी आया है, और ये बोस्ती का गांव ये लोग भी आया है, और ये हम लोग का इंग्योंग मरियांग का ये ओसी सर कोई सर लोग भी आया है, उसका टीम आया है। तो भी बस आप लोग को बता दूं, ये केस को ये लेके ये मोमेंट को लेके पादू मोमेंट अगेंस्ट ये ड्रग्स ये है एक टीम है हम लोग का, ये सीनियर डॉक्टर जयंत परमेश्वर तो ये इनिशिएट कर रहा है, वो ये ऑर्गेनाइजेशन का पादू मोमेंट अगेंस्ट ड्रग्स का ये प्रेसिडेंट है, वो भी साथ पे है। तो पीछे पे है ये आज का जितना ये है उसको देखा गया है, यहाँ का जितना ओपियम है उसको ऑलमोस्ट 80-90% जो है उसका जो कल्टीवेटर है वो डिस्ट्रो किया है, शायद ये उल्लू का पुलिस का आने का ये टीम का आने को उसको बनोक लग गया होगा इसलिए डिस्ट्रो किया है, लेकिन उस पर जो बहुत था उसको डिस्ट्रो किया। ये पीछे पे है पुलिस टीम है उल्लू का मेजरमेंट कर रहा है आज कितना डिस्ट्रो किया। तो इन पर्सन ऑफ दी आपका ये में है और ये में सीओ मैम का साथ पे एक कर रहा है, तो ये गांबुरा लोग है उस उल्लू को जानना चाहेगा। तो गांबुरा लोग ये कह रहा है ये चीज को बिल्कुल उल्लू मालूम नहीं, ये कहती को उल्लू मालूम नहीं है, उल्लू का बस्ती के अंदर पे है लेकिन मालूम नहीं, फिर भी गांव बुरा लोग से ये जानना चाहेगा आने वाले दिन में ऐसा ये कल्टीवेशन करने वाला को लोग क्या करेगा, उन लोग क्या एक्शन लेगा, क्योंकि अब भी दुनिया ये ड्रग्स का ये केस को लेके ड्रग्स एब्यूज को लेके बहुत चर्चा हो रहा है, और दुनिया ये एनी संगठन ये कोशिश कर रहा है ये ड्रग्स एब्यूज को ड्रग्स यूज को सोसाइटी से आउट करना है बोल के कोशिश कर रहा है। जैसे कि हम लोग का ये प्रोफेशनल एक डॉक्टर है सीनियर डॉक्टर है वेटनरी डॉक्टर है जयंत परमेश्वर, तो प्रोफेशनल वो अपना से एक ऑफिसर है फिर भी सोसाइटी को देख के वो ये सोशल काम कर रहा है, उससे भी जानना चाहेगा और पुलिस टीम को भी जानना चाहेगा आज का ये कल्टीवेशन को उन लोग भीते करता है तो उन लोग कौन एक्ट पे उन लोग को अरेस्ट करेगा,
ये कल्टीवेशन करने वाला। और व्यूअर्स आप लोग को बता दूँ, ये आप लोग को ये बता दूँ, ऐसा चीज को हम लोग का सोसाइटी में जो कल्टीवेट कर रहा है उन लोग करा भी पा सकता है, लेकिन ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो है पादू ये जो टीम जो है उन बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये ओवरऑल ये सोसाइटी को सुधारने के लिए, यूथ को सुधारने के लिए, ड्रग्स फ्री करने के लिए उन्हें कोशिश कर रहा है। तो इसलिए उसको सोसाइटी का जितना है इंटेलेक्चुअल है और पॉलिटिकल लीडर लोग है, ये बोसी का ये यूथ लोग है, उन लोग का ये मूवमेंट को ये सपोर्ट करना चाहिए। तो ये गामपुरा है, उसको गामपुरा से जाना चाहेगा। अब नो हिंदी पर लुलाई आई मांग लुला मां ओ दे मिनट में आदिप आई गामा बो काना में हेलो गुनु का हे मोपम लोग सेओ में बोलो मजिस्ट्रेट पाला गुनु का हे कोई सार बोलो हे ओ से इनके मार मारियांग लोग हक आलो पुलिस के दे आला नुनु काम कर आसी दू काना में हे गुनु का हे डॉक्टर सीनियर डॉक्टर जयंत परमेश्वर हिम बोजे को मन पादुसिली हिम ड्रग्स पे लगी मामला मी बोजे को मोम में इबो दू आई दे मिन में हेलो आरो नुनु एरिया हिम गक पा दू नुनु जगह हे हम पे माने ओपीएम आगेरी दू एक दू काना में आरो पे इदू दे मिन में नो गाम पी दोला हिम हिम कपल उदुन है को अरिगे है को ला इतुन है इने कदम नुनु तोरोलो नुनु जेने का जुडिशियल पावर कला दोलम आई मोनम लगा पर नुन को रोल का दूं। अच्छा हिम गंगमिलो नुनु कपल इलांग कम लुदुन है पुलिस के दो तो ओसी सर बुला दूं हिम इने कदम गंगमिलो कपल इपे लगी दूं मा सिमे इने दम गंगमिलो नुलु गोमे ने कपके सा मुरु रिंग नुलु एरेस कांडो मेरेस तो काई द लोक मा मुये मिलो कोम ऑब्जेक्शन निलाये dog lega penol inquire objection ai pibom don lang upak lok kai kuma peka em lang taka menom kangge le pelong em lang nol ai paham jai bujai bi mil ai dom ore pun nam ero ekdom ekdom gam sarte ekdom aku ma aru dong idokom him upak mane eres ko idokom deka ko idokom mane nur police am support pe lagi dong him permesar bu support pe lagi dong he hello him bulum eres dong kom yampo bulu ai kumul yampo bulu men kuri ku are ye police team bahut acha kiya tha ye organization bahut acha kiya tha ye ceo madam bahut acha kiya tha bul men kur ko kai ku le men man u dolu ki dia no kala aralo ye bodula youth ki dia intellectual ko porai le ka leader ki dia bagum lu bapa lagi ya drag him opian inam him area lok ka bilkul imo pa lagi mang him imona mane nunu area ko mane bodnam ka dun no ga maral ko bodnam ka dun to duniya ka bide kamang nunu anam paadu sili jeru ek amo he bojeru pa कानिया के इतना ही दे मैं नुनुक साइड लोगों हम बजे रूपो माने गवर्नमेंट हम पुलिस हम एडमिनिस्ट्रेशन नुनुक सपोर्ट लाए इप्पल लगे लुप्पल लगे दूं हम आगे रिम इप्पल लगे माम लाए ऊपर तू मिमुम यामे खेल दिया दरख्त सिले पूरा भरवा दूं तू आई आरु लुट टाइम दलो करप मन्यिंग कोन्यिंग मो टाइम केन मंगाई इना मन्यिंग कोन्यिंग है इनको तो कानी कानी ने कमा बगमला ऑर्डर ला युम्दी का ऑर्डर तो हमें बुलुक ऑफिस काकोट पुए माई ऑफिस छुट्टी पुई दे हुबक तो केनि कुमांग हिम को हिना हिलो को नलु माई केन बॉय अनु को बरांग को ते केन कुमांग इसुप तो ना मारिंग इंतु मलु मिजिंग आ जोगिलन को नै मिलो मलु काया गाम गाम अबो कम काया तो एकदम एकदम गाम अबो इदो कम नो कपल उदुन जेने का नुनु हे तु दुंग दो दुंग दम ता दुंग इदो कम इतुम ना मिको तो कपल लगिया लगिया जेने का हे मुनु का डॉक्टर सीनियर डॉक्टर वेटनरी डॉक्टर परमेश्वर हे पादु माने अगेंस्ट ड्रग्स एब्यूज हम बोलु मोमिन इबो तुम इबो दुंग आई दे मिन में हम पी ने ऑफिसर पी दला माने पब्लिक अगर हम इदु हके मिको मब नो कपल कोइक दुंग बिम गो हपना कोनो को गो बुलुक पारु तलो हातो नना तलो हारु मो हपम तो तिने लाई tune lai kani ne lai kone lai jerum lang kan tong telekom ai du inama dabba bidokom hekabu paru si bolla migom si bolla inam dem olu takam hu ngopatam mang ngokhal kul ngok 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 dolu patam mang jeru hilli paru amna yabak bang go pongi amna hu eria si bim olu ai du pahim muru na na ekdom hogi du sok kabu entigile de endom alala kapal lagi mang si bulum public tum na mona dolung hok पब्लिक तुमने मन तकम हिगू दु हमने बोल कारू ना ना बोलो ये भी यहां का बस्ती का ये है जरूर बस ए ना कोई सर एम तो व्यूअर्स ये भी है आपका गाम सर है और वो दोनों हेड गाम और गाम वो दोनों आया है क्योंकि जो भी ऐसा आपका इलीगल चीज को डिस्ट्रॉय करता है मजिस्ट्रेट रहना पुलिस रहना है तो गाम लोग रहना है गाम लोग भी बस्ती का एक मजिस्ट्रेट है इसलिए ये फॉर्मेली ये यहाँ का जो ऑर्गेनाइज के उन लोग को भी बोला है गाम सर कपल उदू ने हिलो का हिम मैंने ओपियम हिम बोलू का पुलिस के दिया हे परमेश्वर बोलू का पादुम एगेंस्ट ड्रग्स एब्यूज मूवमेंट लोक प्रेसिडेंट बोलू का मुनु के था मेजिस्ट्रेट मेरा बोलू का आला हिम है नाम डेस्ट्रॉय नाम हिम का आला नो कपल उदू आई पे इधु निमन बोलू
सी आई दू सर वो गांव में जरूर हलोक के गिकाने देलो गोलु ही दुई बसर कोई काय केरा पे गोलु माने मसर में दम सीओ दुई तोगला गोलु पुलिस एम तोगला गोलु माने डिस्ट्रॉयड इन तो हलो जरूर हलोक है के माने कानी इने की देम इना में मनिंग दू आई तो मनिंग दू इने का मांग इना में हिम को गोलु इनको हेड गाम में बी दू इनको दू गोगी बो दू गोलु तेलोग माने ऑफिशियल माने लेटर एम पालांग माने जरूर देखे देखे पे माने कानी दू एम नाम ताला तेलो बोलू माने ऑफिशियल लेटर है पिला ये मोलू तो माने दोलू एम तू तीन एम को मिलू दू कानी हिम ती अरु तीन एम हिम को माने ट्रिपल लागी मा अरु कानी अरिक बियाने माने इपई लागी मा बोलू तू माने गाम बुरा कि दे बोलू दोलू एम लया हि माने इतु बोल हे को केन मांग अगो हि माने हि बिग अरु इको जगह से इदु माने होलो माने आमी बेदांग को काकु मांगाई हि करा बो होलो होलो बेदांग गातो है बेदांग बि माने बारी तोड़का ब्लांग बोले बदांगम जगह को नो मैं तुम की ना महलों माने अमीरुं किने का माँ इलाह मोलु माने दोलुं एकों केन मातु डेम पे ना सारों का मने वो अमीने ओले निजिंग ओके के हेड डैम पुरानो का मने वो अमीने ओकों पांगिंग ओके जानना चाहेगा ये स्टैंडिंग जो ये है ओपीएम कितना था और देखा है तो उन लोग को डिस्ट्रॉय करके रखा है तो उन लोग जो डिस्ट्रॉय करके ये रखा है वो कितना किलो रहा और स्टैंडिंग में जो आप लोग डिस्ट्रॉय किया कितना रहा कितना किलो रहा ये सर हम लोग जब आया है तो मैक्सिमम 90% तो डिस्ट्रॉय था तो स्टैंडिंग क्रॉप तो यहाँ पे था थोड़ा कुछ मिला है वो 4.8 kg 4.8 kg था तो बाद में हम लोग जो डिस्ट्रॉय वाला को भी साइड साइड से उठाया है तो वो टोटल इसको मिला के 80 kg है यानी कि 86 kg जैसा हम लोग एक्स्ट्रा बाहर से सीज किया ये वो लोग ऑलरेडी जो ये था एक्यूज था 21% था वो डिस्ट्रॉय कर चुका था पुलिस आने से पहले। ओके सर क्या बोलते हैं जैसे कि ये अगर ये कल्टीवेशन करने वाले को अगर आप लोग का थ्रो से ये आप लोग का इंटेलिजेंस को अगर काल पकड़ता है तो उन लोग को क्या एक्ट पे ये उसको अरेस्ट करेगा या क्या ये पे ये NDPS एक्ट का हिसाब से हम लोग बुक करेगा इसमें जितना आज हम लोग सीज किया ये अब कमर्शियल क्वांटिटी में आता है जो अभी स्टैंडिंग क्रॉप पॉपी प्लांट है कल्टीवेट करने से हमारा 3 bags रहता है आपका एक स्मॉल क्वांटिटी होता है जो 1 kg से 1 kg होता है वो स्मॉल क्वांटिटी उसका 50 kg होगा तो कमर्शियल क्वांटिटी है तो ये हमारा आज का सीजर जो 50 kg से ऊपर है 80 kg तो ये हम लोग कमर्शियल क्वांटिटी में बुक करेगा और अभी जाके हम लोग जीरो में इसको पता करेगा कि ये एलिस्ट 21% कौन है तो गांव बुरा लोग का हेल्प से हम लोग 21% को पता करके उसको अगेंस्ट में FIR रजिस्टर करके उसको एस पर लो डील करें। ओके सर जैसे कि सर ये अब ये OC है हम लोग का लोकल आदमी है तो आपका भी एक रेस्पॉन्सिबल रोल होता है जैसे कि पब्लिक लोग को जो यूथ लोग को बस्ती का बुरी बुरा लोग को आपका भी एक एडवाइस जाना चाहिए तो आप एज OC होकर क्या बोलते हैं ये पर्टिकुलरली एरिया को लेके ऐसा आइंदा फ्यूचर पे ऐसा कल्टीवेशन नहीं करने के लिए मेन जो लाइम स्ट्रीट पे आने के लिए उन लोग को आपका क्या एडवाइस रहेगा पब्लिक को ये हम लोग पहले लास्ट ईयर एक्शन लेने से पहले बहुत अवेयरनेस कैम कर चुका है आप अपर सियांग में किया आपका पोंगिंग बस्ती में किया हम लोग जगह जगह अवेयरनेस कैम करता है कि ये इलीगल है आपका पॉपी कल्टीवेशन जितना NDPS रिलेटेड काम है ये सब इलीगल है ये सब नहीं करना है बोल के हम लोग अवेयरनेस दिया उसका बाद अगर अवेयरनेस में अगर आदमी नहीं समझता है तो कानून का हाथ लंबा है आपको तो पकड़ना ही पड़ेगा जेल जाना पड़ेगा तो इसीलिए मेरा पब्लिक से रिक्वेस्ट है कि ये सब काम मत कीजिए आप भले ही इससे अपना पेट पाल रहा होगा या बच्चा फरार होगा लेकिन ये काम से दूसरा का फैमिली बिगड़ रहा है बच्चा बिगड़ रहा है इसलिए ऐसा काम मत कीजिए कि जिससे दूसरा को तकलीफ हो आप इसका अलावा आप दूसरा कल्टीवेशन कर सकते हैं यहाँ जैसे दिख रहा है आराम से आप सरसों का कल्टीवेशन कर सकता है कुछ अलग कल्टीवेशन कर सकता है कैश क्रॉप कर सकता है जिससे आप अपना बच्चा को पढ़ा सकता है इसको छोड़ देना है ये पुराना जमाने में चलता था होगा लेकिन वो तो अभी छोड़ना पड़ेगा जो आपका ट्रेडिशन होने से भी इसको छोड़ना पड़ेगा अब नया जमाना में आना पड़ेगा। ओके सर जैसे कि ये बात बीच बीच पे सबको हम ये बोल रहा है बता रहा है जैसे कि ये डॉक्टर सर सीनियर डॉक्टर सर जयंत परमे सर जो आपका पारू मोमेंट अगेंस्ट ड्रग्स का जो प्रेसिडेंट है तो सर साइड में सर उसका रोल जो है आप लोग का रोल को आप लोग को हेल्पिंग कर रहा है इसलिए उसको हम बोलना पड़ रहा है जैसे कि पादू ये 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 परमेश्वर जो है आज देखिए इतना वो ऑफिसर होके इतना इंटरियल इतना आइसोलेटेड जगह पे वो उसको ये मैं ट्रेस आउट किया तो ऐसा रोल को ऐसा ऑफिसर को रोल को जो ड्रग्स को जो सोसाइटी से आउट करना है बोल के ऐसा कोशिश करने वाले ऑफिसर को लेके आप क्या अप्रिशिएट करेंगे सोसाइटी में
ये परमेश्वर जैसा आदमी बहुत कम है, ये बहुत मिलना मुश्किल है। ये ड्रग्स मैनेज को हम लोग जड़ से निकालने के लिए परमेश्वर जैसा आदमी चाहिए, प्रोएक्टिव आदमी चाहिए, जो अपना ये जो काम को चोर के सोसाइटी के लिए आगे बढ़ना, क्योंकि पुलिस का भी पहुंच लिमिटेड है, काम भी बहुत ज्यादा है, स्पेशली अभी इलेक्शन का समय में इसको चोर के वालों को बहुत काम है, इलेक्शन ट्रेनिंग वगैरह। तो परमेश्वर जैसा अगर हम लोग को कोई रिपोर्ट नहीं देता है, साथ नहीं देता है पुलिस को, तब तकलीफ होता है पुलिस को। परमेश्वर के लिए थैंक यू, अपर सिंह पुलिस की तरफ से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। व्यूअर्स, सामने पे है सीनियर डॉक्टर जयंत परमेश्वर, पादू मोमेन ड्रग्स एजेंसी और प्रेसिडेंट है, और साथ साथ ये परमेश्वर जो डॉक्टर जो है एक लॉयर भी है, वो एक लॉयर एक बहुत अच्छा बात है, क्योंकि वो आज जो भी कर रहा है वो ये टेक्निकली और लीगली कर रहा है। तो सर, जैसे कि आज जैसे गांव सार लोग बोला, ये पुलिस लोग आया, तो आपका इनिशिएटिव पे आप यही कोशिश कर रहा है, यही एरिया पे यहाँ का यूथ लोग अच्छा होना है, यहाँ का यूथ लोग आपका ड्रग्स यूज नहीं करना, ओपियम यूज नहीं करके आपका ये कोशिश है। हम जैसे कि गांव सार लोग को बताया, ये एक सीनियर डॉक्टर है, सीनियर ऑफिसर है, तो चाहे तो ये काम नहीं करने से भी रह सकता, लेकिन आप सोसाइटी को चेंजिंग करने के सुधारने के लिए ये कोशिश कर रहा है, ये एवरी सोसाइटी का एवरी इंडिविजुअल एवरी ये लोग कॉमन पीपल लोग आपको मैंने अप्रिशिएट करना है, आपका ये मोमेंट को आपका टीम को। तो सर क्या बोलता है, जैसे कि यहाँ आया एक ऐसा आइसोलेटेड जगह पे आया, तो देखा है तो उसका रियली बहुत ओपियम यहाँ कल्टिवेट किया, तो देखा है तो मोस्टली उसका 80-90% को खुद डिस्ट्रॉय किया, लेकिन वो बाकी को आप लोग आज ये इन प्रेजेंट ऑफ मजिस्ट्रेट मैडम एंड दिस ओसी सर पुलिस टीम दे डिस्ट्रॉय ऑल दिस प्रेजेंस, ये लेके इसको लेके आज का ये सब्जेक्ट को लेके उन लोग का हेल्प को लेके ये डिस्ट्रॉय किया, तो आपको खुद कैसा ये फॉर्चुनेट अच्छा लग रहा है, और पुलिस सपोर्टिंग मजिस्ट्रेट लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप कैसा लग रहा है? इसमें सियांग वॉइस के दर्शकों को वेरी गुड आफ्टरनून। सियांग वॉइस के माध्यम से हमारे समाज को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। इसमें ड्रग एडिक्शन हमारे समाज में एक एपिडेमिक बन गया है, हमारे समाज को डिस्ट्रॉय कर रहा है, हमारे यंगर जनरेशन को especially the ignorant ones उनको डिस्ट्रॉय कर रहा है। हम लोग पादू मूवमेंट अगेंस्ट ड्रग अब्यूज हम लोग फॉर्म करने के बाद में हम लोग सिली मूवमेंट अगेंस्ट ड्रग अब्यूज को भी फॉर्म किया है, और अभी मैं जेरू मूवमेंट अगेंस्ट ड्रग अब्यूज को भी फॉर्म किया है। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग हर बस्ती में हम लोग एंटी ड्रग्स कमिटी फॉर्म करेंगे, एक मास मूवमेंट बनाएंगे, एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम सभी का। लेवल सोर्सेज से हमको इन्फॉर्मेशन मिला है कि इसमें पॉपी कल्टिवेशन किया है, और ये पॉपी कल्टिवेट एरिया को मेरे को ढूंढ के निकला है कल, उसके बाद में और एसपी अपर सियांग को मैंने फ़ोन किया है, उसको इन्फॉर्म किया है, और एसपी सर भी और इसका तरफ से डिपार्टमेंट का तरफ से प्रॉम्प्ट एक्शन लिया है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सीओ मोपम और मैडम ज्योति बोरांग को, आज मजिस्ट्रेट ड्यूटी के तौर से मिसो आए हैं इधर में, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और हमारे ओसी सर और मंगल कोयू को भी, और उसने भी बहुत इंटरेस्ट लेके एकदम सिंसियरली अपने स्टाफ लोग को आए इधर में लेके आए हैं, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इसमें जितना भी इसमें पुलिस पर्सनल से उनको इतना बारिश में भी इतना तकलीफ से इतना आइसोलेटेड जगह में, इसमें यमुना नदी का सामने है, इसमें स्टीप भी है, इसमें कई कई जगह में मिसलों के इधर में तकलीफ करके आए हैं उसका, और बीच बीच में मैं इधर में आके इसमें जरूर बस्ती में आके मैं इधर में पल्बी को सेंसिटाइज किया है, और इसलिए और जिसने भी और ओपियम कल्टिवेशन किया है उसने ऑलमोस्ट 90% तो कुछ डिस्ट्रॉय किया है, लेकिन ओपियम कल्टिवेशन करने का अटैम्प्ट एक एनडीपीएस एक्ट के अंदर में एक बहुत बड़ा क्राइम है, और ये सब ये एक्टिविटीज जो है हमारे समाज को अच्छा बनाने के लिए और हमारे समाज को इसमें ड्रग एब्यूज मुक्त कराने के लिए, इट्स अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम लोग सबको आगे आने ड्रग एपिडेमिक को और ड्रग मैनेज को इसको हमेशा के लिए रोकने के लिए। नंग